कॉर्पोरेट डाल में हम बात करेंगे धानुका एग्रीटेक की। 8 अगस्त 1980 को शुरू हुई कंपनी हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स जैसे तमाम एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है। धानुका की पहुंच 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों तक है। नतीजों पर बात कर लेते हैं। दिसंबर तिमाही के नतीजे देखें तो कंपनी का मुनाफा 8% बढ़ा है, 50 करोड़ पर आया है। वहीं आय 10% बढ़कर 400 करोड़ आई है। हालांकि मार्जिन गिरे हैं। नतीजों पर क्या थे ट्रिगर्स, आगे क्या है ग्रोथ आउटलुक, ये बात करने के लिए चलते हैं सीधे धानुका ग्रुप के MD एम के धानुका साहब हमारे सचों में जुड़ रहे हैं। मिस्टर धानुका बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद। नंबर्स पर पहले हम फोकस करते हैं सर। कॉन्स्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखी है विच इज गुड साइन सर, क्या ये कंटिन्यू होगी इन डबल डिजिट्स आगे भी? यस, आने वाले समय में भी, क्योंकि खेती जो है जी वो बढ़ने ही वाली है। गवर्नमेंट का फोकस भी रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के ऊपर में है। किसानों की इनकम डबल करने का गवर्नमेंट का मोटिव है। तो इन सब बातों को देखते हुए आने वाले समय में इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करेगी ही करेगी, और डबल डिजिट ग्रोथ वी आर कॉन्फिडेंट टू अचीव इन टाइम्स टू कम। ओके, तो डबल डिजिट ग्रोथ डेफिनेटली आएगी, आपको भरोसा है आप कह रहे हैं। लेकिन सर मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा फोकस डालते हैं। बिटा ने यहाँ डिक्लाइन देखा है, क्या वजह है सर? इसकी मेन वजह ये रही कि प्राइसेस जो है वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड रहा। जो कंपनी के पास में इन्वेंट्री थी वो हाई कॉस्ट की इन्वेंट्री थी, और अल्टीमेटली वो जो प्राइसेस का ट्रेंड था वो डिक्लाइनिंग होने के कारण से कंपनी वो पास ऑन नहीं कर पाई प्राइस फार्मर्स के पास में। तो ओवरऑल जो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री है उसके कारण से कंपनी को मार्जिन्स के ऊपर में प्रेशर झेलना पड़ा। ओके, हाई कॉस्ट की वजह से। तो सर आगे क्या आउटलुक लग रहा है, क्या बेहतर होंगे यहाँ से प्रॉस्पेक्ट्स? एबिटा को लेकर क्या आउटलुक रखें हम? यस, वी एक्सपेक्ट कि अगले वर्ष जो 24 एंडिंग रहेगा उसके अंदर में मार्जिन कम से कम 100 बिप्स जो है वो एबिटा मार्जिन इंक्रीज होगा। ओके, 100 बिप्स एबिटा मार्जिन इंक्रीज हो जाएगा, तो 13 से आप उम्मीद करें 14% तक मार्जिन आ पाएंगे? पूरे 9 months के तो ज्यादा है मार्जिन अभी, तो पूरे साल के 17% के लगभग मार्जिन होंगे। अभी 16% है 9 months के, तो पूरे साल के नेक्स्ट ईयर 17% एबिटा मार्जिन रहेंगे। Okay, fair enough. सर अगर रॉ मटेरियल प्राइस ट्रेंड्स जो आपने कहा थोड़ा मटेरियल कॉस्ट बढ़ी थी उस पर अब क्या लग रहा है प्राइस ट्रेंड्स में, आउटलुक क्या है फॉर दिस ईयर, अगले दो क्वार्टर्स की अगर हम बात करें तो? अभी प्राइसेस अभी भी या तो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है या स्टैग्नेंट है, तो अब इससे ज्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि प्राइसेस अब स्टेबल रहेंगे और मार्केट में भी जो फिनिश प्रोडक्ट है उनके प्राइसेस में स्टेबिलिटी रहेगी। मांग को लेकर आप किस तरह से अनुमान लगा रहे हैं? रूरल के साइड पर क्या पिकअप दिख रहा है विज़वी लास्ट ईयर, और क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पर भी आपको क्या ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं? डिमांड पर आप कितने कॉन्फिडेंट है ये मेंटेन रहेगी या बेटर होगी यहाँ से? देखिए, कॉमोडिटी के प्राइसेस जो हैं किसान को अच्छे मिल रहे हैं, तो उसको जो है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है और वो ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है अपनी फसलों को कीड़े और बीमारियों से बचाने के लिए। तो डेफिनेटली आने वाले समय में डिमांड ज्यादा रहने वाली है, और मैं समझता हूँ कि जो ग्रोथ है टारगेट है वो धानुका अगले वर्ष डेफिनेटली अचीव करेगी। डिमांड पे आप बुलिश हैं, आपको लग रहा है कि मेंटेन होंगे और आपकी उस वजह से ग्रोथ भी होगी। सर नए प्रोडक्ट्स को लेकर कंपनी का क्या प्लान है, किस तरीके के प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करेंगे, क्या टाइमलाइंस होंगी इस साल, कौन से नए इनोवेशंस आपने जिस पे काम कर रहे हैं आप? देखिए, करीब 8 से 10 प्रोडक्ट 93 जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च होते हैं वो पाइपलाइन में रहते हैं, और हमें आशा है कि 2 नए 93 मॉलिक्यूल्स हम हर वर्ष किसानों तक पहुंचाएंगे जो कि पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस होंगे। उसके अतिरिक्त 94 के 3 मॉलिक्यूल, सो टोटल 5 मॉलिक्यूल हम जो है FY24 के अंदर में इंट्रोड्यूस करेंगे। और किस तरीके का कैपेक्स होगा सर उस पर, आगे कंपनी के प्लान्स क्या हैं खर्चे के? देखिए, जो फॉर्मुलेशन ब्रांड प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा जो है कैपेक्स की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दहेज में धानुका एक नया टेक्निकल प्लांट लगा रही है जहाँ की कैपेक्स कर रही है,
और इस वर्ष लगभग 225 करोड़ रुपए उस के अंदर में कैपेक्स हो जाएगा, और अगले वर्ष तक मार्च 24 तक जाके ये 300 करोड़ रुपए कैपेक्स जो है दहेज प्लांट में होगा, और वहां हम एपीआई जो टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स है उसका उत्पादन शुरू करेंगे। ओके तो ये कैपेक्स के सर रिक्वायरमेंट्स आप कैसे पूरी करेंगे? इंटरनल अक्रूवल्स से ही होगा, और अभी डेट की सिचुएशन क्या है? हाँ, धनुका काफी समय से जीरो डेट कंपनी रही है, हमारी कंपनी के ऊपर में कोई भी डेट नहीं है, और जो भी ये कैपेक्स है वो हम इंटरनल अक्रूवल से ही मीट आउट करेंगे, हमें कोई बैंक से लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके इंटरनल अक्रूवल से ही आप इसको पूरा कर लेंगे। सर समझना चाहूँगी आपसे, जो जिस तरह से सरकार ने इस बार बजट में एग्री पर जो पुश किया, स्पेशली टेक्नोलॉजी का जो उन्होंने फोकस रखा है कि एग्री पर टेक्नोलॉजी से प्रोडक्टिविटी इन्हांस होती है, उन अनाउंसमेंट्स को आप कैसे देखते हैं? पर्टिकुलरली आपकी कंपनी के लिए क्या मायने होंगे, क्योंकि सरकार का फोकस वहाँ पर है, कंपनी क्या स्टेप्स ले रही है इन दैट डायरेक्शन जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी और बेटर बेटर हो पहले से? इंडिया जो है कृषि उत्पादन में द्वितीय नंबर के ऊपर में है, जबकि चाइना पहले नंबर के ऊपर में है। चाइना की जमीन हमसे कम है, वहां बारिश इंडिया से कम होती है, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी इंडिया से डबल है। उसका मुख्य कारण यह है कि वहां किसानों तक तकनीकी ज्ञान जो है वो पहुंच पा रहा है। इंडिया में तकनीकी ज्ञान और नई टेक्नोलॉजी किसानों तक नहीं पहुंच रही है, उसके कारण से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। लेकिन जो गवर्नमेंट का फोकस है आने वाले समय में, धानुका ने भी एक ड्रोन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है, और आने वाले समय में जो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का स्प्रे खेतों में होने जा रहा है वो ड्रोन के माध्यम से ही ज्यादातर होगा, तो उससे पानी की भी काफी बचत होगी और लेबर की भी बचत किसान को होगी। तो ये नए तकनीक जो आ रही है और गवर्नमेंट का सपोर्ट इसके अंदर में मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हमारी प्रोडक्टिविटी इससे काफी बढ़ेगी। लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगी। आपने ऑर्किड फार्मा थोड़े समय पहले जो एक्वायर किया, वहाँ पर आप डाइल्यूट करना की एक बात थी मार्च तक 15%, उस पर क्या अपडेट है सर, और आगे क्या प्लान्स है एग्जैक्टली? फार्मा कंपनी जो एक्वायर की है उसको लेकर आप क्या आगे ग्रोथ दिखाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया में? ऑर्किड फार्मा लेने के बाद में इस कंपनी के अंदर में काफी अच्छी प्रोग्रेस चल रही है, और काफी जो हमने यूनियन बैंक से लोन लिया था कंपनी को एक्वायर करने के लिए, उसमें लगभग 2/3 लोन जो है हम वापस पे कर चुके हैं, और अभी 1/3 ही लोन है जो मैं समझता हूँ कि FY24 से पहले पहले हम लोग वापस कर देंगे। और जो 15% डाइल्यूट करना है वो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर 75% से ज्यादा नहीं रख सकते, और अभी 90% स्टेक है प्रमोटर्स का, तो 15% हमें मार्च 2023 से पहले पहले डाइल्यूट करना है। इस दिशा में कार्य चल रहा है, हमने दो एडलवाइस और जेपी मॉर्गन, नहीं सॉरी, एडलवाइस और एक दूसरी जेपी फाइन जेएम जी फाइनेंशियल्स को सॉरी जेएम फाइनेंशियल्स दो कंपनी को मैंडेट दिया हुआ है, और मैं समझता हूं कि मार्च से पहले पहले हम लोग 15% डाइल्यूट कर लेंगे। जो ये फंड्स 15% डाइल्यूट करके कंपनी के पास आएंगे, इससे हमारे को एक पीएलआई गवर्नमेंट से मिला है, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंटरमीडिएट बनाने के लिए। उसके लिए हम जम्मू के अंदर में लैंड एक्वायर कर रहे हैं, और 2 वर्ष का समय है वो फैक्ट्री लगाने के लिए, तो नई टेक्नोलॉजी से फर्स्ट टाइम जो है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इंटरमीडिएट हम इंडिया में ऑर्किड फार्मा के अंदर में जम्मू में बनाने जा रहे हैं। ओके और आप जो सर मर्ज करने जा रहे थे, आपकी एक ये पॉइंट था कि ऑर्किड फार्मा और धानुका लैब्स को जोड़कर एक बड़ी 1,000 करोड़ तक की कंपनी जो क्रिएट करना चाह रहे थे, उस पर सर कहाँ तक काम हुआ है और कब तक हो जाएगी, क्या टाइमलाइंस माने? जॉइंटली पिछले वर्ष मार्च 2022 एंडिंग में जॉइंटली ऑर्किड फार्मा और धानुका लेबोरेटरीज ने मिला के 1,000 करोड़ का टर्नओवर पूरा कर लिया था, और मैं समझता हूँ कि इस वर्ष में और अच्छी ग्रोथ होगी। और जो किसी टेक्निकल रीजंस के कारण से एनसीएलटी ने
हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी, और अगले वर्ष हम फिर से जो है एनसीएलटी के पास में जाएंगे और दोनों कंपनी के मर्जर की एप्लीकेशन फिर से फाइल करेंगे, और मैं समझता हूं कि मार्च 2024 से पहले पहले दोनों कंपनी का मर्जर कंप्लीट हो जाएगा। ऑल राइट, तो 2024 मार्च से पहले पहले मर्जर आप उम्मीद करें कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कंपनी के कैसे रहे नतीजे, आगे क्या है बिजनेस आउटलुक। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं इस नोट पर, आप कहीं मत जाइएगा, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।